नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 7 महीने का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावी शतरंज की चाल चलना शुरू कर दिया है। यूपी में पहले से मौजूद सियासी दलों की चिंता बाहरी दलों ने बढ़ा दी है। पहले आप फिर ओवैसी के बाद अब जेडीयू और टीएमसी ने यूपी चुनाव में दस्तक देने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद से बीजेपी के साथ ही विपक्ष में बैठे सियासी दल मंथन में जुट गए हैं कि आखिर ये राज्य के बाहर से आने वाले सियासी दल किसके लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि अब गठबंधन का नया दौर भी शुरू हो सकता है, उससे पर ही आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी की कितनी तैयारी है। साथ ही साथ जो बाहर के दल अब उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे किस हद तक बीजेपी को नुकसान होने वाला है और सबसे बड़ा दावेदार बीजेपी के सामने कौन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, सपा और बसपा ने भी अपने पत्ते बिछाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जो बेहद दिलचस्प बात है वो ये है कि अब दूसरे राज्यों के मुख्य दल उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता जमाने का सपना देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी, हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिहार से जेडीयू जैसे दल यहां के विधानसभा चुनाव में दस्तक देने जा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो वो हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रही है, चाहे संगठन में बदलाव की बात हो या फिर मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह देने की। बीजेपी जानती है कि हर वर्ग को साथ लेकर ही चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में दौरा कर यह बता दिया है कि कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने के लिए बेताब नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाकर 2007 का समय वापस लाना चाहती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करके ही सत्ता में वापसी की जा सकती है। यूपी की राजनीति के पुराने खिलाड़ी तो सियासी संग्राम में दांव चलने को तैयार हैं ही, लेकिन पुराने खिलाड़ियों की चिंता प्रदेश में आने वाले नए खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं। इन दलों के आने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों की नींद जरूर उड़ गई है कि जमीन की बाउंड्री वॉल तो वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन मकान कोई दूसरा कब्जा ना कर ले, ये चिंता विपक्ष में बनी हुई है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो बीजेपी की तैयारी तो पूर्ण है, लेकिन चर्चा यही है कि सामने जो इतने लोग आकर खड़े हो गए हैं उनसे मुकाबला कैसे करेगी बीजेपी और कौन किसका वोटर कटवा बनकर सामने आएगा, ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें शामिल है बीजेपी नेता अश्वनी शाही जी मौजूद हैं, साथ ही साथ टीएमसी नेता हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले संजय जी, मैं आप पर आना चाहूंगी क्योंकि आप अब उत्तर प्रदेश में भी बाजी मारने की तैयारी में है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? तैयारी की बात मैं करूँ तो आपने आज 2 बजे का ममता दीदी का स्पीच अगर सुना होगा और वर्चुअली रैली उन्होंने किया था, बाकायदा जो है दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे विपक्ष के करीब करीब सारे नेता लगभग वहाँ पे जमे थे और ये हमारी एक 2022 और 2024 की एक ज़बरदस्त तैयारी है। क्योंकि क्या है कि जिस तरीके से देश का हालत बिगड़ता चला जा रहा है, देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सबसे बड़ी घटना तो अभी हाल ही में हुई है कि ये फ़ोन टैपिंग, मतलब जो है अब हम लोग जो है अपनी निजता पर भी जो है हम लोग सुरक्षित नहीं है कि हर चीज़ को जो है वो टैपिंग किया जा रहा है। ममता दीदी ने तो अपने फ़ोन पे कैमरे पे अपना जो है उन्होंने टेप लगा दिया है और आज अभी जाकर के मैं भी अभी घर जाकर के मैं भी टेप लगाने वाला हूँ, क्योंकि इस तरीके से हमारा फ़ोन टैपिंग हो रहा है, हमारे निजता पे जो हमला हो रहा है। तो हर तरीके से जो है सरकार दमनकारी नीति के साथ चल रही है, जिसको दबाने की कोशिश हो रही है और अगर अभी अगर जनता नहीं जागती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी।
और इसी की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। शहीद दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने हाई लोडेड वायरस पार्टी भी उन्हें बताया है। जी बिल्कुल। संजय जी, ये क्या किस ओर इशारा था? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप खुद देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो इनका एक ही मात्र एजेंडा है, ये कहीं पे भी कोई भी चुनाव होता है तो इनका एक नारा शुरू हो जाता है, हिंदू मुसलमान को कैसे बंटवारा किया जाए, किस तरीके से हिंदू वोटों पर जो है आक्रमण किया जाए। इसके अलावा इनके पास कोई भी नहीं, इनका केवल आईटी सेल किस तरीके से झूठ बेचा जाता है, लोगों को झूठ और झूठ और झूठ बेच बेच कर कहे, अब तक 7 साल इन्होंने बिता दिए हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज बेरोजगारी लगभग 12,70,00,000 रुपये लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि केवल और केवल हम हिंदू मुसलमान करके हम जिंदा नहीं रह सकते, और जाति हो कोई भी जाति को साथ लेकर के केवल आप रोजगार बेरोजगारी जनता को नहीं दे रहे हैं, अपने सांसदों को जो है ये रोजगार दे रहे हैं, अपना मंत्रिमंडल को बढ़ा करके, तो हमारे आम जनता पिस रही है इसके लिए, तो आम जनता की आवाज़ जो आज जो भी कुछ बोला है ममता दीदी ने, वो आम जनता की आवाज़ है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, क्या जवाब देंगे आप? आपकी पार्टी को ममता दीदी ने आज हाई लोडेड वायरस पार्टी करार कर दिया है, और साथ ही साथ आपने संजय जी की बात भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बहला कर और गलत नीतियों के साथ भाजपा आगे बढ़ी है उसका विरोध करेंगे। टीएमसी भी अब उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। तैयारी में है, अच्छा है, लोकतंत्र में तैयारी करनी चाहिए, हर दल को अधिकार है तैयारी करने का और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर ममता दीदी को ये सोचना चाहिए कि टीएमसी का क्या जनाधार है, यहाँ कोई जनाधार नहीं है यहाँ। हाँ, हो सकता है कि वो 2-4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे, उनको तो 25-50 कैंडिडेट खोजने में भी परेशानी होगी अभी उत्तर प्रदेश में, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई बहुत पूरा असर नहीं पड़ने वाला है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा। हाँ, चुनाव है, चुनाव लड़ा जाएगा, हम कोई भी सामने आए हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपनी नीतियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें चाहे जो भी पार्टी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोगों का अपना निर्णय है चुनाव लड़ने का, और आने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना पड़ेगा, तभी तो एंट्री मिलेगी। इस वजह से ममता दीदी ने जो कहा है, बढ़ चढ़ कर आम आदमी पार्टी का भी अब कहीं ना कहीं जनाधार दिखता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि ओवैसी की भी एंट्री ओम प्रकाश राजभर के साथ किस तरह से दमदार नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा। कीर्ति जी, देखिए, हम लोग यहाँ कयास लगा रहे हैं लेकिन वास्तविकता आपको भी शायद पता है कि किस तरीके से राजभर जी अब ओवैसी जी के साथ नहीं है, एक तरह से मान लीजिए उनका उन्होंने मंच नहीं शेयर किया, और अगर है तो राजभर वोट उनके साथ नहीं है, क्योंकि गाजी की जो बहराइच में जो है उसके मजार पर जो लोग गए हैं तो उससे उनका राजभर वोट उनसे वैसे ही बिखर चुका है, और आने वाले दिनों में देखिएगा ये काट की हांडी है, ये चढ़ेगी नहीं, ये इन लोगों का पहले से बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी अलग हो चुकी है इनसे, ये सभी अभी चुनाव 8-9 महीना जो है इसमें बहुत लोग नजदीक आएंगे, बहुत लोग दूर जाएंगे, इसमें कई समीकरण अभी बनेंगे और बिगड़ेंगे, इसको अभी देखने वाली चीज है। लेकिन जो दल है जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को लेकर जो उसने किया है वो लेकर जनता के बीच में जाएगी, हमको 17 में भी आशीर्वाद मिला और हमको 22 में भी जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला। लेकिन गठबंधन का डर नहीं है आपको कि अगर बाई चांस किसी ने गठबंधन कर लिया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, बहुत गठबंधन बनेंगे, बहुत टूटेंगे भी, लेकिन अंत में तो सबका यही एक मोटिव है कि बीजेपी को हटाना। कीर्ति जी, एकदम सही आपने कहा, मोटिव होना भी चाहिए कि भाई जो सत्ता में दल है उसके खिलाफ जो लोग लड़े उनका मोटिव यही होना चाहिए कि सत्ता से हटाना है। लेकिन देखिए, ये हिंदुस्तान में बहुदलीय प्रणाली बहुत दिनों से चली आ रही है और ये गठबंधन की राजनीति अभी हिंदुस्तान में चलेगी। अब एनडीए का, हमने एनडीए का गठबंधन किया, कितने दलों के लोग हमारे साथ है, यूपीए का गठबंधन हुआ सबसे, तो ये तो गठबंधन होता रहेगा, इसमें कुछ दल आएंगे, कुछ दल जुड़ेंगे, कुछ निकलेंगे, चुनाव के समय बहुत से समीकरण बदलते हैं, बनते हैं। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कौन से समीकरण कब बन जाए और किसके लिए पक्ष में हो जाए और किसके विरुद्ध चले जाए, ये भी आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंदाजा नहीं लगा सकते। अश्विनी शाही जी, आप इस पर भी एग्री करेंगे शायद तक। ठीक है, संजय जी, कहीं के चुनाव में आप कुछ नहीं लगा सकते जी,
कहीं के चुनाव में कीर्ति जी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, बंगाल लेकिन हो, जैसे आप पश्चिम बंगाल में गए थे वैसे टीएमसी भी उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो आपने अगर 377 की छलांग लगाई तो अगर वो भी लगा लिए, अगर उन्होंने भी इस तरह की छलांग लगा दी तो नहीं, तो अब देखिए छलांग क्या है, 377 पर पहुंचे हैं तो आज हम भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तब पहुंचे हैं। उनका वोट परसेंटेज और भाजपा का वोट परसेंटेज आप पूरे देश में देख लीजिए, तो ये लोग दूसरे प्रदेशों में अभी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी से इसका जवाब ठीक है अश्विनी जी, मैं आप पर आऊंगी लेकिन मैं संजय जी से पहले जवाब ले लूं। संजय जी आपका क्या कहना है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं आपका कोई जमादार ही नहीं उत्तर प्रदेश में, आप किस बेसिस पे कूदने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? ऐलान तो आपने कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे लेकिन आधार क्या है? पहली बात तो यही इनका अहंकार बोल रहा है, जिस तरीके से अहंकारी वोट से आप ये निकाल रहे हैं तो ये इनका पूरी तरीके से अहंकार है कि हम बड़ी पार्टी है, बड़ा है, सब कुछ है। ये चुनाव इस बार जो 2022 का चुनाव होगा ये किसी पार्टी के मकसद से नहीं होगा, ये जनता का चुनाव होगा और ये जनता इनको जवाब देगी अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, किस तरीके से आप लोगों ने बेरोजगारी फैलाई, किस तरीके से महंगाई की, किस तरीके से आपने लाशों को बहाया, ये सब जनता, कोई परिवार ऐसा बचा नहीं जिसका कोई आसपास का कोई मरा नहीं है, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, जनता साइलेंट है। इस बार कोई पार्टी का चुनाव नहीं होगा, इस बार जनता का चुनाव होगा और जनता जवाब देने के लिए इनके लिए तैयार बैठी हुई है। हेल्थ मिनिस्टर ने तो कहा ना कि एक भी मौत ऑक्सीजन के अभाव की वजह से नहीं हुई, इसीलिए कहा क्यों, क्योंकि ये तो सब जग जाहिर है कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कहते हैं पंच तत्व में विलीन होता है, पंच तत्व में जो है मिट्टी आती है, आपने मिट्टी तक तो दी नहीं, आपने बालू में दबा दिया, लाशों को बालू में दबा दिया, बालू तो आता ही नहीं किसी भी तरीके से पंच तत्व में आता नहीं, तो अब जिस तरीके से अत्याचार हुआ है उन अत्याचारों को लेकर के जनता इनको खुद जवाब देगी कि अहंकारी वोट जो ये निकाल रहे हैं ना, जिस तरीके से इनका कोई जनाधार नहीं है, तो पहली बार 2016 में इनके पास क्या जनाधार था और 2000 इस बार हमारे पास क्या जनाधार है ये तो चुनाव के बाद पता चला गया। जैसे इनको दिवा स्वप्न आता है कि जैसे इन्होंने बंगाल में बोला था अबकी बार 200 पार और कहां 77 में आकर के ये रुक गए, लेकिन 377 का सफर तो तय किया ना, तय बात है। वहां पे जिस तरीके से गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ वामों के साथ, क्योंकि वहां पे बाकायदा वामदल और साथ इनका पूरी तरीके से किया गया है। आज जो है वाम जो है आज रामो 2026 बनेगा वामो, इस तरीके से वहां पे इनका पूरा का पूरा प्रचार किया गया, साइलेंट होकर के बीजेपी को सपोर्ट किया गया और टीएमसी का वोट प्रतिशत हमारा बड़ा है। पोस्टर हटाए जा रहे हैं संजय जी, हम तीसरी बार लग रहा है उत्तर प्रदेश में आप लोग को आने देंगे? हमने कहा ना जनता का चुनाव है, सरकार कितना भी दमनकारी नीति कर ले, अभी हम लोग जो है 10 तारीख को हम लोगों ने जो है महंगाई को लेकर के आंदोलन किया था, हमें हजरतगंज चौराहे पे जाने तक नहीं दिया गया, हम लोगों को उठा करके बंद कर दिया गया, तो ये तो दमनकारी नीति है, ये चलती रहेगी, लेकिन जनता की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। जनता को एक बार मौका मिलता है 5 साल में और जनता उसका जवाब आपको देगी और बहुत अच्छी तरीके से। अश्विनी शाही जी मैं आप पर आऊंगी, आपकी हंसी का राज भी पूछूंगी, एक बार मैं दिलीप जी से कमेंट ले लूं उसके बाद मैं आप पर आती हूं। दिलीप जी क्या लगता है बीजेपी के सामने तैयारियां कितनी ज्यादा बीजेपी की दुरुस्त हो चुकी है, क्योंकि सामने जंग में उतरने के लिए कई पार्टियां आ चुकी हैं। कीर्ति जी, जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि ये लोकतंत्र है और यहाँ हर राजनीतिक पार्टी को लड़ने का अधिकार है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बनती ही इसीलिए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, वो अपना अपना भाग्य आजमाती जरूर है और इसी बहाने उनको भी ये पता है कि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन इसी बहाने उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, चर्चा में आएंगे। देखिए आज टीएमसी ने कहा कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग ने बैठ करके डिबेट करनी शुरू कर दी, तो इससे इनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है ना, ये चुनाव जीते चाहे ना जीते, एक सीट पे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और राजनीतिक पार्टी का या हर राजनेता का पहला उद्देश्य यही होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने बाय दिस वे और दैट वे, तो ये उद्देश्य तो हर राजनीतिक पार्टी का पूरा होता है। लेकिन दिलीप जी फोकस तो मेन 2024 का है, ये तो एक ट्रेलर के तौर पर देख लीजिए आप। नहीं मैं 22 और 24 दोनों की बात करूं, देखिए 24 में तो क्षेत्रीय पार्टियां कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो सपा हो चाहे वो AIMIM हो चाहे वो राजभर हो, कोई भी 24 के युद्ध में तो आप इन सबको कहीं गिनिए ही मत, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनके पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, पूरे भारत में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, लड़ा ही नहीं पाएंगे, तो जीतना और हारना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये सिर्फ अपना भाग्य आजमाने आते हैं कि उससे कुछ ना कुछ बार्गेनिंग होती है और कुछ ना कुछ ऐसा लेन देन हो जाता है जिससे इनका फंड बनता रहता है।
रही बात प्रदेश के चुनाव की, वो कोई भी प्रदेश हो, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव की बात करूं तो देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ ये जितनी भी पार्टियां हैं ये अगर मिलकर के लड़ेंगी तो ये भाजपा का नुकसान कर सकती हैं, लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ेंगी तो भाजपा को फायदा हो जाएगा और इनका आपस में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाजपा को छोड़कर के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सबकी पहली नजर शायद तक मुरव्वर राणा जी का इसीलिए गुस्सा दिलीप जी फूट रहा है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर यही सता रहा है कि ओवैसी आकर वोट काट के वो बीजेपी कोई फायदा ना पहुंचाते, और ये हर बार के चुनाव में हम लोग ने देखा है 100% पहुंचाएंगे, 100% चाहे टीएमसी भी आ जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हर पार्टी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पे होती है, ठीक, टीएमसी की भी प्रायोरिटी मुस्लिम है, AIMIM के ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कही जाता है MY फैक्टर पे काम करती है, ठीक, बसपा बहुजन समाज पार्टी ने अपना फोकस मुसलमानों से हटा करके पंडितों पे कर दिया। तो अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सारी पार्टियां मिलकर के लड़ेंगी तब तो हो सकता है ये भाजपा का नुकसान कर पाए, वरना ये एक दूसरे का नुकसान करेंगे और बंदर की बिल्ली की लड़ाई में फायदा बंदर का हो जाएगा, और यहाँ पर बंदर की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, वो इसका फायदा उठा करके ले जाएगी। बिल्कुल दिलीप जी, आपने सौने सच बात बोली है, लेकिन संजय जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी संजय जी बोलिए। अभी इन्होंने फंडिंग वाली बात कही तो उसी पे मैं बोलना चाहता हूँ कि कोविड काल में पिछले साल में फंडिंग किसके पास सबसे ज्यादा आई है, जरा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा किसने सबसे ज्यादा फंड इकट्ठा किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने बंदरबाट वाली बात बताई है, तो बंदरबाट के लिए मैं बता दूं, आज ही दोपहर को आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा दिल्ली में, कि सारे के सारे विपक्षी दल जो है आज ममता दीदी को सुनने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, तो ये आपको एक ट्रेलर मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक जो है आप अगर इंडिया बना करके आपके 24 दल 26 दल का इंडिया बना सकते हैं तो हम भी एक गठबंधन बना सकते हैं, जिसके तरह हम इस सरकार तो को सुन लीजिए मैं आपको शांति से सुन रहा था, मैं शांति से सुन रहा था, मेरी बात को शांति, मैं आप ही की बात बता रहा हूँ, मैं आप ही की बात बता रहा हूँ, तो ये पहली बात। तो ये दूसरी बात ये है कि जैसे मुस्लिम की बात बताई, तो ये मुस्लिम शब्द को जो है आप लोग एक बार किनारे कर लीजिए, हमारे यहाँ पे 82-85% वोटिंग है वेस्ट बंगाल में, मुस्लिमों की संख्या मात्र 30% था, लेकिन हम 85% वोटों में से हम 213 सीटें जीत करके आए हैं, और अभी भी 7 सीटें बाकी है, हम इतना पता है कि हम 7 के 7 सीटें जीतने में हम 220 तक जाएंगे, तो इसलिए मुस्लिमवादी पार्टी के बारे में बात बनती है, जो विकास करेगा, जो काम करेगा, ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड ग्राउंड नहीं, लेकिन दिलीप घोषी ने भी ये बयान दिया कि राष्ट्रीय राजनीति संभालने ममता दीदी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल को संभालने फिर देश की ओर बढ़े, पश्चिम बंगाल को उनकी चिंता दिलीप घोष को नहीं करनी है, पश्चिम बंगाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आई है और आज तक भाजपा हरा नहीं पाई है, 2011 में नहीं हरा पाई, 2014 में जब मोदी जी की कहते थे सुनामी चल रही है तब भी नहीं हरा पाई, ना 2016 में हरा पाई, ना 2019 में हरा पाई, ना 2021 में हरा पाई, तो इसकी चिंता ना करें, हम क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन आप खेल संवारने आ रहे हैं कि खेल बिगाड़ने आ रहे हैं? अरे हम तो खेला करने आ रहे हैं, हम खेला करने आ रहे हैं, यही गलती, हम खेला करने आ रहे हैं और खेला होगा और हर राज्य में खेला होगा, हर राज्य में जो है। दिलीप जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी एक मिनट सुन लेते हैं। जी दिलीप जी, नहीं नहीं मैं संजय जी को कह रहा हूँ कि यही गलती आम आदमी पार्टी ने भी कभी करी थी, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के चक्कर में वो दिल्ली से भी चले गए थे, फिर केजरीवाल साहब ने समझदारी का काम किया, उन्होंने अपने आप को दिल्ली तक समेट लिया, दिल्ली का दिल अच्छे से जीत लिया, अब वो अपने कदम बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर वो दायरे से बाहर जाएंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदेंगे तो फिर वो दिल्ली में सिमट जाएंगे, तो आप सब मिलकर लड़िए तब तो आप भाजपा का सामना कर पाएंगे, वरना सब लोग भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, ये जान लीजिए, जितना आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे भाजपा उतनी ही मजबूत हो जाएगी। संजय जी, जी पहली बात तो ये है कि मैं आपको बात को रिपीट कर देता हूँ, इस बार ये चलिए ये स्पष्ट कर दीजिए, गठबंधन का प्लान है तो कुछ सोच समझ के अगर आप उतरे हैं चुनावी रण में तो कोई तो रणनीति बनाई होगी, किसी के साथ जाने का सोचा होगा, किसी को अपने खेमे में लाने का सोचा होगा, तो वो क्या रणनीति है? देखिए गठबंधन की राजनीति जो होती है, गठबंधन अभी ममता दीदी ने, आप लोगों ने अगर आज 2 बजे की स्पीच उन्होंने सुनी होगी तो बाकायदा उन्होंने शरद पवार जी को इंडिकेट करके उन्होंने कहा था कि एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, 27, 28, 29, 3 दिन ममता दीदी दिल्ली में रहेंगी और वहाँ पे बाकायदा इस बारे में चर्चा होगी और जैसा भी कुछ होगा वो आपके पास इसकी सूचना पहुँच जाएगी, क्योंकि होता है कि कभी कभी ये दशानंद है,
दस मुंह वाले जो है ये सरकार है, तो हम ये मान लेना विपक्ष का बड़ा चेहरा बन के 2024 में उतरने की पूरी पूर्ण तैयारी ममता दीदी ने कर ली है। 101% तैयारी है पूरी तरीके से कि हम 3 बार चुनाव जीत करके हम मुख्यमंत्री हमारी ममता दीदी बनी है पहली बात। और मैंने फिर कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बार भी बीजेपी हमको टच नहीं कर पाई, हरा नहीं पाई, और हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ फुल कॉन्फिडेंस सीटों पर तो कब्जा किया। संजय जी ये तो मानिए सीटें तो छीनी आपके खेमे से, हमारे खेमे से 211 से 13 पे बढ़े, 377 पे। आप ये सोचिए हम तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, हमारी सीटें घटनी चाहिए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और डायरेक्ट मुकाबले में हमने भाजपा को हराया। और फिर मैंने कहा कि जैसा जिस तरीके से रामो बामो वाला का घटना हुई है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और आपको ये बता दूं कि 48 इसके एमएलए ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से हायर करके इनको बुलाया गया था, क्योंकि इनको लड़ने के लिए इनकी मैं आपको रणनीति बताऊं कि इन्होंने कम से कम 800 एमएलए एमपीओं को जो है 3 महीने तक वहां पन्ना प्रमुख करके बनाया, लेकिन 78,600 बूथों पे इनका पन्ना प्रमुख तक नहीं था, इनको कम से कम 280। आप पश्चिम बंगाल की जनता के दिमाग पर राज करते हैं, उनकी सोच को लेकर चलते हैं, उनके मुद्दों को जमीनी स्तर पर जानते हैं, वैसे बीजेपी भी तो जानती है उत्तर प्रदेश में। मैं पहली बार बता दूं हम लोग पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे कि हम 403 सीट में से हम 300 सीट जीतने वाले हैं कि हम 200 सीट जीतने वाले हैं, हम सरकार बनाने वाले हैं, हम हवाई बात नहीं करने वाले। ठीक है अश्वनी जी, आपको क्या लगता है ये जो तमाम दल आ रहे हैं इससे नुकसान होगा फायदा होगा, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कोई ना कोई तो अंदेशा जरूर दे रही है। देखिए कीर्ति जी, पहले ये एनडीए और यूपीए, ये मैंने पहले भी कहा गठबंधन है और गठबंधन ये लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि उस गठबंधन का नेता कौन होगा। जैसे एनडीए का एनडीए के नेता जो है हमारे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी को संयोजक बनाया गया था, यूपीए में जो है चेयरपर्सन सोनिया जी हैं, तो यहाँ पर शरद पवार जी होंगे, ममता बनर्जी जी होंगी, राहुल गांधी जी होंगे, कौन होगा ये अभी तय करना बाकी है। तो गठबंधन तो उसके बाद बनेगा और हर व्यक्ति जो है इस समय अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान रहा है, चाहे वो ममता जी हो, शरद पवार जी हो, राहुल गांधी जी की भी अपेक्षा है क्योंकि उनकी तो भाई पुरखों की जो है वो परिपाटी चली आती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी इस विषय पर जो संजय जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे और 2 बजे का भाषण बड़ा ऐसा हुआ कि मतलब देश हिल गया पूरा और जिसने नहीं सुना वो बहुत वो रह गया, लेकिन ममता जी का जो भाषण होता है, ममता जी इस समय वहां पर बंगाल में दिख गया, मानवाधिकार आयोग के लोग गए, जजों पर जिस तरीके से हमला किया गया, वहां पर की जो कानून व्यवस्था इस समय ममता दीदी का है वो लोग सब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरी देश देख रहा है। आज सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है। अभी उन्होंने कहा देखिए चुनाव जो है अलग होते हैं, बंगाल का चुनाव अलग मुद्दे पर था, एक वहां पर देखिए फुरफुरा शरीफ है, फुरफुरा शरीफ के जितने मुस्लिम होते हैं वो जाकर वहां पर भीड़ लगाते हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन क्या उनको एक सीट मिली? नहीं मिली। चुनावी मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश वहां से बंगाल से आने के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरे मुद्दे होंगे। अब यहां से भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश भर में चुनाव लड़ी है और पूरे देश में कहीं ना कहीं उसका वोट परसेंटेज है, भले ही हम तमिलनाडु में हमारा जनाधार नहीं है लेकिन फिर भी इस बार हमारा वोट परसेंटेज वहां पड़ा है, तो हम उसको चाहे 2% पाए या 20% पाए हम उसको बढ़ा मानते हैं। केरल में हम 12-13% वोट पाए हैं तो हमारा जनाधार बढ़ा है, तो हम 3-77 वहां हुए हैं। हमको हार देखिए लड़ाई हुई है और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर 18 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है तो पूरे देश में हमारी सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है, और लोग भी हैं और नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां जहां आपकी सरकार चल रही है वहां वहां लोग जरूर आ रहे हैं और पूर्ण तरीके से आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कीर्ति जी एक लाइन कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अभी संजय जी ने कहा कि इनके 48 विधायक हैं जो दूसरे दलों से हैं। संजय जी राजनेता वही होता है, आपके जो सरकार में जितने मंत्री और जितने विधायक हैं वो देखिए उसमें कितने वामपंथी हैं, आपने क्या किया वही काम आपने किया। चीजें ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ राजनीतिक जो वही होते हैं, चुनाव के समय दल इधर से उधर हो जाया करती है, आस्थाएं बदलती हैं। अब चुनाव और उसका पहले की तरह राजनेता नहीं रह गए हैं, अब चीजें बदल रही हैं। संजय जी
बिल्कुल चीजें बदल रही हैं, इसीलिए बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये भी एक सोचने वाला चीज है, क्योंकि आपको भी सोचने की जरूरत है अश्वनी शाही जी, जिस तरह से तमाम पार्टी और प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि गठबंधन के लिए हम पूरी तरह से खुले हुए हैं, अगर कोई गठबंधन करने आता है तो हमें दिक्कत नहीं है, तो गठबंधन से चोट ना पहुंच जाए उसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है दिलीप जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं और उत्तर प्रदेश में मुद्दे बिल्कुल अलग है, लेकिन पार्टियां बाहर से आ रही हैं, चाहे जेडी हो, वैसी पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, या फिर हम तमाम पार्टियों की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर ने भी अब अलग होके ऐलान कर दिया है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं क्या मुद्दे आपको अलग लग रहे हैं, कितनी ज्यादा चुनौतियां होंगी वो तमाम पार्टियों के लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां तक चुनौती की बात है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये सारी पार्टियां एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या दिलीप जी संभव है? पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन सपा ने तो गठबंधन बसपा से और कांग्रेस से भी करके देख लिया था। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा, लेकिन मैंने लेकिन लगा दिया साथ में ना, लेकिन का मतलब ये है कि ये सारी पार्टियां वो पार्टियां हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे तो वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी डिमांड करेंगे, तो समाजवादी पार्टी इनसे इस शर्त पे तो गठबंधन करने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे रहा है 2022 के चुनाव में तो वो समाजवादी पार्टी और वो मजबूत है, अभी पंचायत चुनाव में भी उसने अपनी मजबूती दिखाई है। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये यहाँ पर आएंगी जरूर, मैंने कहा कि यहाँ आएंगी अपना खाता खोलने के लिए, इनका गठबंधन भी सफल नहीं होगा और अकेले तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। राजभर की जो पार्टी है वो छोटी सी पार्टी, और राजभर समाज को लेकर के वो इतना उछल रहे हैं, अभी बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भी डिमांड कर डाली थी, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और जो AIMIM के ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी का अगर इतना बड़ा जनाधार होता तो उन्होंने हैदराबाद में सरकार बना डाली होती, लेकिन वहां सरकार नहीं बना पाए, गिनती के चुनिंदा लोग हैं उनके पास, कुछ सांसद और कुछ विधायक हैं उनके पास। अगर TMC के लोग, ममता बनर्जी जी ने बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, एक राज किया है, वो अगर यहाँ चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उनकी बात में थोड़ा दम हो सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो TMC का जनाधार बंगाल के अंदर है वो एकदम अलग है, वहां की भाषा, वहां के मुद्दे, वहां की सर्च कल्चर एकदम अलग है, और वो कल्चर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है, और TMC का बिल्कुल भी जनाधार यहाँ पे नहीं है, और ममता बनर्जी को यहाँ पर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहां एक दूसरी चीज है, वहां बॉर्डर है, बंगाल है, बहुत सारी चीजें हैं जिन मुद्दों पर वहां पर ममता बनर्जी का वोट बैंक बढ़ जाता है, यहाँ पर वो वोट बैंक नहीं है उनका, यहाँ जो वोट बैंक है वो इंटायरली डिफरेंट है, और यहाँ का वोट बैंक गठबंधन पर जाएगा भी नहीं, उसको भी पता है कि जो लोग गठबंधन कर रहे हैं अगर हमने उनको वोट दिया तो उनका वोट खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा, अगर वो 2-4 सीटें 10 सीटें जीत भी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा भी दें, मैं एक बात को ये मान लूं कि हरा भी दें, तो उसमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार कौन चलाएगा, और 6 महीने से ज्यादा सरकार चलनी नहीं है, क्योंकि ये तमाम जो सवाल है ये जरूर उजागर होते हैं। संजय जी क्या आपका जवाब है, क्योंकि मास्टर प्लान क्या है हम ये जानने के उत्सुक है कि किस तरह से, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था कि कितना संघर्ष ममता दीदी ने करा था सत्तासीन होने के लिए, और उसके बाद लगातार वो सत्ता में रही, हालांकि उन्हें हटाना भी मुश्किल रहा है क्योंकि अब वो मुद्दों को जान गई है, लोगों से जुड़ चुकी है, मानसिकता को जानती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां? देखिए हमारा जो नारा है माँ माटी मानुष, हम उसी नारे को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में हम उतर रहे हैं, और हमारा अपना जो है अपना काम कर रहे हैं, अपने ग्राउंड लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, हमारा काडर अपना काम कर रहा है, हम इस समय लगभग 62 जिलों में ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं और बहुत अच्छे से हमारी वर्किंग चल रही है। फिर मैं आपको एक रिपीट करता हूँ, इस बार किसी का चुनाव नहीं है, इस बार सिंपल जनता का चुनाव है, और जनता इतनी ज़्यादा भाजपा से त्रस्त है कि वो अपना वोट कूड़े में डाल देगी लेकिन भाजपा को नहीं देगी, ये बात तय बात है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी को नुकसान पहुंचाया है पिछले 5 सालों में, दोबारा इस बार सत्ता में ये पहुंचाने वाले नहीं हैं, और ये पंचायत चुनाव में सबने देख लिया, जब जनता ने पंचायत चुनाव चुना गया था तो 3000 सीटों में इनको 750 के आसपास की सीटें मिल पाई, ये ओरिजिनल इनकी हकीकत है, केवल गांव के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बनाकर उतारेगी उत्तर प्रदेश में ये चेहरा हमारे पास, हमारे पास चेहरे की जरूरत नहीं, हमने कहा ना हम माँ माटी मानुष के, हम अपने नारे पे हम यहाँ पे खेला करने के लिए आ रहे हैं, और हर राज्य में करेंगे उस खेले में, और इस राज्य में करेंगे, गठबंधन की तैयारी चल रही है, इसके लिए ममता दीदी उनके लिए ऑथराइज है,
और हमने कहा जैसे कि 27, 28, 29 तारीख को ममता दीदी किससे, अभी वो भी उस क्लियर हो जाएगा। 27 फिर भी कुछ थोड़ी बहुत तो चर्चाएं चल रही होंगी। मैम आपने आज तो मैंने कहा ना कि आज आपने विपक्ष में आपने देखा होगा आज की रैली में जो है जो वर्चुअल रैली हुआ था उसमें आपने देखा होगा उसमें सपा भी थी, उसमें अकाली दल भी थे, उसमें एनसीपी भी थे, उसमें और भी बहुत सारे दल लोग आए थे और कांग्रेस भी थी, सारे लोग उसमें थे, सब लोग उस सभा में आए हुए थे हमारी जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। संजय जी देखिए वहां पर तो तमाम लोग मौजूद थे, तमाम दल मौजूद थे, लेकिन गठबंधन किससे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप सपा के साथ जाते हैं तो कांग्रेस के साथ नहीं जा पाएंगे, कांग्रेस के साथ जाते हैं तो सपा के साथ नहीं जा पाएंगे, ये फ्यूचर बताएगा गठबंधन किसके होगा। अभी इसके लिए क्लियर मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। ये जब भी हमारे हाईकमान की तरफ से जब भी हम लोगों के पास इसका मैसेज आएगा आओ आप लोगों को निश्चित रूप से इसे बताया जाएगा। इस समय बातों का दौर किससे चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं इसको इसकी चर्चा हम यहाँ पे जो है स्टूडियो में नहीं कर सकते, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात होती है और किसी भी राजनीतिक गठबंधन के साथ होती है। अगर आप ये नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं कोई बात है, वो समय का इंतजार करेंगे जब आप गठबंधन निश्चित रूप से, और आपको इसी महीने लगभग लगभग मुझे लगता है कि इसी महीने आपको सूचना मिल जाएगी कि हम किसके साथ गठबंधन करने वाले। बड़ी बात ये आपने बोली है कि इसी महीने गठबंधन की भी खुलासा हो जाएगा, हालांकि तेजी से आप रेल भगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सप्रेस बनाए हुए हैं। अश्वनी शाही जी एक्सप्रेस उन्होंने अपनी दौड़ानी शुरू कर दी है, 60 से ज्यादा जिलों में एक्टिव भी हो गए, उन्होंने ये भी बोल दिया है गठबंधन की तरफ भी विचार हो रहा है, जिस तरह से सपा और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है, तो क्या बीजेपी के लिए क्या चीजें होने वाली, क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस तमाम चीजों को लेकर प्रियंका गांधी जिस तरह से आपके ऊपर इस वक्त 3 दिन के दौरे पर आई थी, उन्होंने वार किया, उसके बाद सपा भी अब मुखर अंदाज में इन तमाम मुद्दों को उठा रही है। कीर्ति जी देखिए कई मुद्दे उठाए आपने, मैं पहले संजय जी को बताता हूँ, 62 जिलों में इनका जनाधार है, तो मात्र 5 नेता का नाम ऐसा बता दें कि जो पूरे प्रदेश में सब लोग जानते हो उसको। पहली बात तो मैंने कहा कि संगठन काम कर रहा है ना कि हमें वो छोड़ दीजिए। दूसरा मैं आ रहा हूं कि इनका जो है कैसे चुनाव लड़ेंगे, अभी देखिए जया बच्चन जी गई थी यहाँ से प्रचार करने, तो इन लोगों का अपना हो सकता है गठबंधन किसी के साथ हो, तो अभी जैसे दिलीप जी ने भी कहा, मैंने भी कहा कि हर लोकतंत्र में सबको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये बताने का अधिकार है कि हम भी हैं, हमारी भी एग्जिस्टेंस है। दूसरी बात आप प्रियंका गांधी की कर रही हैं, देखिए प्रियंका गांधी जी जब से आई हैं कीर्ति जी, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तब से देखिए उनके कितने नेता केंद्र में मजबूत और कद्दावर उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि वहां पर बड़ा द्वंद है, कांग्रेस एक अदद अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है कई सालों से अपने लिए, तो कांग्रेस में G23 और क्या ये सब चीजें चल रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5 से 6% की पार्टी है अभी भी, उससे उनको नहीं बढ़ना है, उनके हर जिले में कार्यकर्ता भी नहीं रहे, पहले हुआ करते थे क्योंकि 30 सालों से वो लोग सत्ता से बाहर हैं, तो अब इतना दिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी जो कार्यकर्ता बहुत जुड़ के नहीं रह सकता। और आती है देखिए हम लोग भी जाते हैं कहीं हिंदुस्तान में कश्मीर घूमने चले गए, कहीं कहीं घूमने चले गए, 2-3 दिन जाते हैं, घूमते हैं, छुट्टी मनाते हैं, चले आते हैं, तो प्रियंका गांधी जी भी आई, उनको मीडिया फुटेज आप लोगों ने दिया और वो अपना 2-4 जगह आगे पीछे किया उन्होंने और चली गई, मीडिया फुटेज नहीं अश्वनी जी, उनकी छवि भी मजबूत है, ये आप मानेंगे क्या है उनके पास, मैं कैसे मानूं, मीडिया फुटेज तो आपको भी देती है फिर अश्वनी शाही जी, मैं कह रहा हूँ सुनिए सुनिए आप, मैं कह रहा हूँ ना कीर्ति जी लोग कहते हैं कि इंदिरा जी से उनकी शक्ल मिलती है, मैं आप बता दीजिए 2 क्वालिटी बता दीजिए, किसानों की जमीन उनके पति हड़प कर बैठे हैं देश में और किसानों की नुमाइंदगी उनकी पत्नी कर रही है। देखिए ये छवि वाली बात आपने बोली, लेकिन मीडिया फुटेज किसी को नहीं देती है, जो चल रहा होता है राजनीति में, जो चल रहा होता है जमीन स्तर पर, हम उसी को दिखाते हैं कि मीडिया में अगर दिखाया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया यहाँ पर कि जिससे उनको जो है पूरी जनता उनके पीछे दौड़ गई। उनके यहाँ ही देखिए मैं बताना चाहूंगा आपसे, राजस्थान के लोग आए, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के लोग आए, उनको पत्रक देना चाहते थे और यही उनके दफ्तर में जो यहाँ माल एवेन्यू में दफ्तर है उनका, वहां पर इन्हीं के साथ के लोग थे, उन लोगों ने उनको मारा, राजस्थान के लोगों को यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारा। हमने मान लिया कि कोई भी जो तमाम पार्टियां आप कह रहे हैं जो आपके सामने आ रही हैं वो कहीं नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि आप सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में अंतर विरोध भी ये सामने आता रहा है संगठन को लेकर और सरकार को लेकर। आप लोगों ने देखिए आप लोगों ने अंतर विरोध दिखाया,
कौन सा मीडिया चैनल नहीं है जो कयास नहीं लगाया, योगी जी हटाए जा रहे हैं बड़ी प्रमुखता से दिखाया, मीडिया चैनल्स की नहीं थी, कहीं कुछ अश्वनी शाही जी देखिए गलत बयानबाजी ने दिखाया, ये गलत बयानबाजी दिखाया, नहीं नहीं पूरे देश ने कयास लगाया। केशव प्रसाद मौर्य जब एक बड़ी मीटिंग में नहीं दिखते हैं तो फिर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है ना कि उन्हें फोन नहीं किया तो वो आ नहीं पाए, इस तरह की बयानबाजी कौन करता है डिप्यूटी सीएम के लिए? अश्वनी शाही जी बताइए ना। कीर्ति जी सुन लीजिए, हमारी बात भी सुनिए, कौन सा चैनल ऐसा है इस देश का जिसने ये नहीं दिखाया कि बहुत कुछ होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी में ये निकाले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में योगी जी गए, आज दिल्ली बुलाए गए, दिल्ली वाले यहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उस लोकतांत्रिक पार्टी सूत्रों के हवाले से अश्वनी शाही जी जो सामने आती है, अब तो मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो रही है, अब तो उसको भी आप नकार दीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है, कुछ लोगों का हटाया नहीं जाएगा, कुछ लोगों को शामिल करा नहीं जाएगा, पद दिया नहीं जाएगा, इसको भी दरकिनार कर दीजिए। कीर्ति जी ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, बिल्कुल उनका विशेषाधिकार है, लेकिन जो आपने सवाल हम पर उठाए हैं उसका जवाब दे रहे हैं कि ये खबरें वही आती हैं जो सच होती है। लगाए गए पूरे देश ने, आज हमारे पार्टी की एकता और आंतरिक लोकतंत्र दिख रहा है कि हम लोग एक है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एकता या डर, किसी ने भी कुछ दिखाने की कोशिश की, किसी विपक्ष ने अगर कुछ बताने की कोशिश की, सभी धूल धूसरित हो गए। मैं आज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर, अभी आप अश्वनी शाही जी आप कह रहे हैं ना जिस तरह से कि हम एक है, वैसे अभी हमें भी विपक्ष एक नजर आ रहा है अश्वनी शाही जी। एक समस्या है कीर्ति जी, एक सवाल आप, मैं एक लाइन बोलता हूँ तब तक एक सवाल आ जाता है आपका, आप एक साथ सवाल कर लीजिए, मैं सबका एक एक पॉइंटेड आपका जवाब दूं, या तो मैं बोल लूं फिर उसके बाद मैं आप, मतलब थोड़ा सा जो है एक रिदम टूट जाता है, जो चीज आदमी कहना चाहता है वो मैसेज नहीं पहुंच पाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, पूरे देश में कोई एक मुख्यमंत्री बता दीजिए कोरोना से पीड़ित होने के बाद हर जिले का दौरा, उस जिले में जो नजदीकी गांव थे उस गांव का दौरा, दवाई पूछना, उनसे पैसे पूछना, तुम्हारे खाते में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, आज हम टेस्टिंग में नंबर वन रहे, वैक्सीनेशन में नंबर वन है, सब कुछ हम काम कर रहे हैं, एमएसएमई से लेकर मनरेगा तक हमने कितना रोजगार दिया ये भी आपको पता होना चाहिए, तो हमने काम किया है और यहाँ पर हम कोई ऐसा नहीं कर रहे, 5-5 एक्सप्रेसवे की हमने नींव रखी है और जिसमें एक या दो चालू हो जाएंगे अभी, तो ये चीजें हैं, अस्पताल हम 9 हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी अभी उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है अश्वनी शाही जी, जो जिसको दर्द हो, जैसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, विपक्षी दलों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो कहते हैं कुछ नहीं किया, अगर उनको इलाज कराना हो तो जाकर उन 9 मेडिकल कॉलेजों में इलाज करा सकते हैं अपना। जी ठीक है अश्वनी शाही जी, लेकिन अच्छा यही बता दीजिए आखिरी में, आप जिस तरह से बार बार कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हमें सूचना मिल जाएगी? कहा ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो करें ना करें, हम लोग तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये उनका हमें पेगासस की जरूरत नहीं पड़ती है अश्वनी जी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ जाती है। चलिए ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी संजय जी, ये पहली बात तो ये है कि जो अंदर अंतर कलह मचा हुआ है इनकी पार्टी के अंदर, विद्रोह जिसे बोलते हैं, वो इसको दबाने की कोशिश है, ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और निश्चित रूप से होगा। अब वो 6 महीने में ही मंत्री लोग करेंगे क्या? पहली बात तो जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ, सर आपको मैं नहीं टोका था, मैं थोड़ा सा बोलने दीजिए, जो 6 महीने के अंदर ये कौन सा विकास करेंगे वो नए मंत्री आकर के, ये देखने वाली बात ये होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन विद्रोह होने वाला है, उस विद्रोह को रोकने के लिए, रूठों की मनाने के लिए केवल अगर एक तमंगा दे देंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनकर के वो एक तमंगा लेकर के बैठे रहेंगे, विकास कुछ नहीं होगा, उल्टा जो है सरकार के ऊपर और बोझ पड़ेगा, ये 6 जो और भी मंत्री आने वाले उनका बोझ पड़ेगा। विकास की बात आप लोग कर ही रहे, इतना ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं हुआ? दिलीप जी मैं आपसे जान लेती हूँ, क्या लगता है अखिलेश यादव की सरकार में ज्यादा विकास हुआ था कि योगी सरकार में ज्यादा विकास हो रहा है? किसको मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखते हैं इस वक्त की, कौन ज्यादा प्रबल है? कीर्ति जी अगर मैं सामाजिक नजरिए से बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि किसी सरकार ने विकास नहीं किया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, अखिलेश जी अपने एक एक्सप्रेसवे को लेकर के ही गिनाते रहते हैं और दूसरा वो मेट्रो को लेकर के गिनाते रहते हैं, तो मेट्रो का श्रेय योगी जी भी लेते हैं और अखिलेश जी भी लेते हैं, एक्सप्रेसवे का पूरा श्रेय अखिलेश जी लेते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सामाजिक
डेवलपमेंट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पीछे उनके अपने बहुत सारे उद्देश्य हिडन उद्देश्य भी छुपे होते हैं। सोशल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि जब इस देश में रोजगार मुहैया हो जाए लोगों को वास्तविकता में, सरकारी आंकड़ों में नहीं, सरकारी आंकड़ों में तो हर सरकार बहुत बढ़िया काम करती है, अखिलेश जी की सरकार ने भी किया था और योगी जी की सरकार भी कर रही है, और देखिए योगी जी की सरकार में तो यहां तक हो गया कि कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरा ही नहीं है, इसको आधिकारिक बयान बना करके संसद में ठप्पा लगा दिया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है ये शाही जी भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, और जिसने कहा है वो भी जानता है। तो मैं कागजों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामाजिक डेवलपमेंट जो होता है वो कोई सरकार नहीं करती है, क्योंकि वो जब आती है तो वो अपनी चीजों को सेट करने में लगती है, थोड़े दिन बाद उसके लोग नाराज होने लगते हैं, उनको मनाने लगती है, ये करते करते चुनाव का समय आ जाता है तो फिर वो अपने लोगों को साधने की तैयारी करने लगते हैं। रोजगार को लेकर के मैं ये कहता हूं कि मेरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मुझे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए नहीं, ना मैं समाजवादी पार्टी के समय पे ये कह सकता था कि इस प्रदेश में लड़कियां रात को खुलेआम आराम से जा सकती हैं, ना योगी जी की सरकार में जा सकती हैं, ना अच्छी सड़कें पिछली सरकारों में थी ना इस सरकारों में थी, शहर में पानी पिछली सरकारों में भी भरता था इस सरकार में भी भरता है, शहर की गंदगी पिछली सरकारों में भी थी इस सरकार में भी है, रोजगार पिछले सरकारों में भी नहीं था इस सरकार में भी नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछली सरकारों में भी नहीं हुआ था इस सरकार में भी नहीं हुआ है। तो सामाजिक दृष्टि से न पिछली सरकार और न ये सरकार कोई फर्क नहीं है। आप अपना ढोल अलापते रहिए कि मैंने इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, मैंने इतने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, पत्थर तो पता नहीं कितने लग जाते हैं। कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जनता सिर्फ ये चाहती है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शिक्षा का कोई डेवलपमेंट नहीं है। शिक्षा मुझे जो बेसिक सुविधाएं चाहिए, सरकारी ऑफिस में जाऊं मेरा काम बिना पैसे के बिना चक्कर लगाए हो जाए, नहीं होता है। मुझे सस्ता मिल जाए, आज देखिए कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की कमाई कम हो गई है और महंगाई बढ़ गई है। इसको किस सरकार ने कंट्रोल किया? किसी सरकार ने नहीं कंट्रोल किया। पेट्रोल डीजल के दाम पहले भी बढ़ते थे, आज भी बढ़ रहा है, महंगाई पहले भी बढ़ती थी आज भी बढ़ रही है। तो मैं आम जनता की तरह बात करूं तो मुझे क्या फायदा हुआ? अंत में यही आ जाता है ना कि सब तमाम जो पार्टियां आती है वो सिर्फ अपना फायदा तलाशने के लिए जुट जाती है। जनता के वादे तो करे जाते हैं जनता से कि आपकी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा, आपकी परेशानी को दूर करा जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो सत्तासीन हो जाता है वो ये वादों को शायद तक भूल जाता है। अश्विनी शाही जी, अखिलेश जी जिस एक्सप्रेसवे का ढोल पीटते हैं और योगी सरकार भी जो 5 एक्सप्रेसवे का ढोल पीट रही है, उस एक्सप्रेसवे पे चलना कितना महंगा है ये सबको पता है। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे दिल्ली जाता हूँ और आने जाने में 2000 रुपए का टोल लग जाता है तो एक आम आदमी क्या 2000 रुपए का टोल दे पाएगा? वो जनरल का टिकट लेके आधे पैसे में दिल्ली जाके चला है। अश्विनी शाही जी, आपको ये तमाम बातें सुनाई पड़ी होंगी कि आप विकास का नारा देते हैं कि हम विकास के मुद्दों को लेकर आगे पढ़ रहे हैं, अगर हमने अध्यक्ष पद के चुनाव जीते हैं, जिला पंचायत चुनाव में हमने बहुमत हासिल की है तो विकास के आधार पर हमें जनता ने वोट दिया, लेकिन विकास क्या सिर्फ एक्सप्रेस वे के जरिए आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आए दिन हम ये भी देख रहे हैं मंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको खदेड़ते हुए पुलिस ले जाती है इको गार्डन, ये तस्वीरें भी बयां कर रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव से कितनी मौतें हुई ये भी हमने देखा, आपके मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें आपके स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी थी इसको लेकर शायद बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी स्वास्थ्य मंत्री, जिसे पुराने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया था, वो कोरोना काल में जो नाकामी हुई थी उसी के चलते हटाया गया था शायद तक, उसके बाद भी आप दम भर रहे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी रही। देखिए कीर्ति जी, आपने कहा हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर रही हैं, और आपको किसने बता दिया कि उनको फेल्योर के कारण हटाया गया? किसी अखबार में छपा नहीं, ना कोई गजट जारी हुआ। किस वजह से आपने हटाया? ये सरकार का इंटरनल मैटर है, कोई इंटरनल नहीं है। आप इंटरनली सरकार से जुड़े हैं ना अश्विनी शाही जी? नहीं तो ये मीडिया में डिबेट करना हमारा उसका जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमने किसी और कारण से उनको हटाया हो, सकता है कोई आंतरिक जो है उनका उनकी उमर हो गई, आंतरिक उमर हो गई और क्या। आपके सांसद कौशल किशोर ने चिंता जाहिर की थी, उन्हें नहीं हटाया गया एकदम? नहीं, क्यों, चिंता कोई जाहिर कर सकता है तो उन्हें मंत्री बना गया, उन्होंने भी तो बोला कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं थी। तो क्या यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि किसी ने कह दिया तो उसको फांसी हो जाएगी? और अश्विनी शाही जी, अच्छा तस्वीरें झूठ बोलती हैं क्या? तस्वीरें झूठ बोलती हैं क्या?
लोग झूठ बोलते हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती है ना, तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। एक लाइन मेरा नहीं पूरा होता है कीर्ति जी, आपका सवाल पैदा हो जाता है। अरे पूरा सुन तो लीजिए, कौन सी तस्वीरें बताइए, कौन सी तस्वीरें? अश्विनी शाही जी आप जवाब ही ऐसा दे रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन करना पड़ रहा है। तस्वीरें नहीं नहीं आप बताइए, प्रयागराज की तस्वीरें देखी दम, कौन सी तस्वीर? आगरा में एक महिला की फोटो आई थी अपने पति को खुद ऑक्सीजन देते हुए। कीर्ति जी 23 करोड़ का प्रदेश है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास था, कभी हाय तोबा नहीं मची ऑक्सीजन के लिए। अश्विनी शाही जी यही चीज का सवाल था, माफ कीजिएगा मैं आपको फिर टोक रही हूँ, लेकिन एक आपके हेल्थ मिनिस्टर ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन के चलते किसी की डेथ नहीं हुई। और कोई सवाल जोड़ लीजिए, और कोई सवाल जोड़िए ना इसमें, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगी। आप लोगों को आजकल के सच्चाई है कि आजकल के एंकर्स को मतलब किसी भी प्रवक्ता को बोलने का मौका नहीं देना है, जिसको नहीं बोलने देना मत बोलने दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कौन सी तस्वीर बोली? अश्विनी शाही जी अच्छा बोलिए, आप जवाब दे दीजिए। 23 करोड़ जनता में नहीं, लेकिन जवाब आज दीजिएगा भाई। आपके अगर आप कहिए तो एक हम स्क्रिप्ट लिख के भेज दीजिए, मैं वही जवाब दूं आपको। मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई अगर आप भेजेंगे तो सच्चाई निकल आएगी अश्विनी जी, मेरी स्क्रिप्ट अगर आप लिख के अगर आप उसका आप पढ़ेंगे तो शायद सच्चाई आ जाएगी जनता के सामने। मीडिया मीडिया बहुत खबरें गलत चलाती है, वो भी मैं मान लूं कि सही है, मीडिया कयासों पर काम करती है और अपने सूत्रों पर काम करती है, और हम अपने पार्टी के नीतियों पर काम करते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 23 करोड़ का प्रदेश है, हमारे पास ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं रही। हाँ मैं मानता हूं क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन होते हुए भी हम नहीं पहुंचा पाए वहां तक, ये मैं मानता हूं, कमी कभी नहीं रही ऑक्सीजन की। दूसरा मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसमें एक ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा है, जो कि वहां क्या नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, और वहां से हमने हरियाणा को भी ऑक्सीजन दिया, हमने दिल्ली को भी ऑक्सीजन दिया, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां इस समय लगाई गई हैं, एफडीआई सबसे ज्यादा आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश के स्थान पे पहुंचा है। अपराध को खत्म करने का काम, अभी दिलीप जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं छिटपुट घटनाएं हो सकती है, इतना बड़ा प्रदेश है हो सकती है, मैं मानता हूं दिलीप जी, लेकिन कोई बता दीजिए कि किसी भी अपराधी में दम हो तो वो अपना संगठन, जो पहले संगठन चलाए जाते थे अपराधों के, वो चला रहा हो। 17,000 गैंगस्टर में, सॉरी 47,000 लोग गैंगस्टर में बंद हुए हैं, 150 से ऊपर लोगों का एनकाउंटर हुआ है, किसी सरकार में दम है, किसी मुख्यमंत्री में दम है, कह दे कि मैं ठोक दूंगा तुमको अगर हमारा अपराध नहीं छोड़ोगे तो। इस पर भी लोगों की हंसी और माखौल उड़ाया जाता है, क्यों? अपराध मुक्त करना है, जंगल राज बना के रखा था सपा की सरकार ने, यहाँ हर जिला अध्यक्ष उनका एक गुंडा होता था। अखिलेश यादव जी, अखिलेश नहीं नहीं रुक ले, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए थे उस दिन कितने थाने फूके गए थे कीर्ति जी, आपको शायद नहीं पता होगा, दिलीप जी को पता होगा, ये है था अपराध। और आज बताइए कितने दंगे उनके शासन में हुए, उत्तर प्रदेश में एक दंगा कोई बता दे कि अगर दंगा हुआ हो योगी राज में। ये सब चीजें हम बदले हैं, और अभी बदलने में और समय लगेगा। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा देश है ये जान लीजिए, जनसंख्या में हम उनसे बड़े हैं, फिर भी हम इस समय कंट्रोल करके, और हमने समय रहते कोरोना पर काबू पा लिया उत्तर प्रदेश में, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा देश और विदेश में हुई है। ऐसा हम अपने ऊपर हम तमगा नहीं ले रहे कि हमने ये कर दिया, हमने मेहनत की, कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की, पूरे प्रदेश का दौरा किया, हर जगह हम लोगों ने जन जन की आवाज सुनी, और उसी का प्रतिफल मिलेगा कि हम फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2022 में। ठीक है अश्विनी जी, आपने बोल लिया, आपको भरपूर मौका मैंने दे दिया, आपने दिलीप जी की ओर ही इशारा किया है, तो दिलीप जी मैं आप पर ही आ जाती हूँ, जो इन्होंने बातें कही आपने अच्छे से सुन ली होंगी। अब हम बोलेंगे, मगर मैं जवाब देती हूँ इन बातों का, तो इनको लगेगा कि मीडिया बोल रही है, तो आप बता दीजिए सच्चाई कोरोना काल की, आप बता दीजिए सच्चाई दंगों की, आप बता दीजिए सच्चाई विकास की, क्योंकि आप भी समाज सेवी के तौर पर आप जुड़े हैं जनता से, और आपको भी पता है एक दंगा। मैं चैलेंज करता हूँ दिलीप जी और आप कोई भी, या हमारे संजय भाई बैठे हैं, बता दे एक दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, बताइए सच्चाई। कीर्ति जी पहला सवाल या पहला जवाब ये कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो ऑक्सीजन के प्लांट क्यों लगाए गए, इतने सारे आए दिन नए नए प्लांटों का उद्घाटन क्यों हो रहा था अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एफडीआई कोई नहीं आई है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ था
मैंने कहा ना, कागजी और राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए, मैं सामाजिक और वास्तविकता के दृष्टिकोण से बात करता हूँ। वास्तविकता में कहीं कोई डिस्कलेशन नहीं हुआ है। अपराध की जो बात अश्वनी भाई ने कही, हाँ मैं ये मानता हूं कि पिछली सरकारों के रिजीम से अपराध कम हुआ है, लेकिन वो संगठित अपराध कम हुआ है। आम जनता जिस तरीके से पहले पुलिस और गुंडों से प्रताड़ित थी, वो आज भी प्रताड़ित है। लड़कियां पहले भी निकलने में डरती थी, आज भी डरती हैं। थाने पुलिस पहले भी नहीं सुनते थे और आज भी नहीं सुनते हैं। ये अलग बात है कि योगी जी ने जो बड़े माफिया थे उनको पकड़ लिया, उनको अंदर कर दिया। तो एक बात तय है कि जो बड़े माफिया होते हैं वो आम जनता से बदमाशी नहीं करते हैं। आम जनता से हमेशा छुटपुट आदमी ही बदमाशी करता है। और उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं है सुनी भाई कि अपराध नहीं हुआ है। अभी गोमती नगर में खुलेआम गोलियां चली थी, आप आए दिन देख रहे हैं कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, पर अपराध हो रहा है। ये सही है कि पहले की अपेक्षा में आपके राज्य में अपराध कम हुआ है, लेकिन संगठित अपराध कम हुआ है। जो बड़ा माफिया था, जो उजागर था, जिसका माफिया जो माफिया होना, वो जरूर डरा है। और इसके साथ साथ आम जनता भी डरी है, क्योंकि आम जनता अगर अपनी बात को कहना चाहती है तो आप उसके ऊपर भी FIR करा देते हैं। कोरोना में किसी ने किसी की मदद करी, आपने उसके ऊपर भी FIR करा दी। तो कानून का देखिए, ये कानून का डर नहीं है, अश्विनी भाई मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति का डर हो सकता है, ये मुख्यमंत्री जी का डर हो सकता है, ये कानून का डर नहीं है। आप कानून का राज स्थापित कर दीजिए तो मुख्यमंत्री जी नहीं भी रहेंगे तो सिस्टम वैसे ही चलेगा। कल को अगर 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने ना, तो ये कानून का डर नहीं होगा। वो जो छुपे लोग बैठे हैं वो फिर बाहर आ जाएंगे। जिन 47,000 लोगों को आपने अंदर किया है, आपको भी पता है कि जमानत पे कैसे लोग छूट जाते हैं, क्योंकि कानून वही है, कोर्ट वही है। वकीलों को पता है कि कैसे उनको बाहर निकाला जाता है, कानून में कहां कमी है, और आपके जो IU हैं वो कैसे FIR में कमी कर देते हैं, कैसे रिपोर्ट लगाने में कमी कर देते हैं। तो आपने जो किया है, अगर उसको आप परमानेंट करना चाहते हैं तो उसके कानून में बदलाव कर दीजिए, फिर आप रहें और न रहें वो चीजें वैसी ही रहेंगी। बिल्कुल अश्वनी शाही जी, आपको शायद तक आपकी कोई दंगे दंगे हुए दिलीप भाई, कोई दंगे हुए उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में? प्लीज, अब मैंने आपकी भी सुन ली और मैंने आपको सुनवा भी दिया, क्योंकि अगर हम ये बात बोलते तो मीडिया बुरी हो जाती है, लेकिन आपको पता चल गया। नहीं तो दिलीप जी ने तो हमारी बातों को माना है, ठीक है, हमारी बातों को दिलीप जी ने माना है, कहीं हम आपकी ऐसा बातों तो को दिलीप जी ने नहीं कहा कि नहीं माना है। और उन्होंने किस तरह से माना है वो शायद तक अब आप नहीं मान पा रहे, बस फर्क इतना है। ठीक है, दंगे हुए एक भी, एक दंगा गिना से दिलीप जी, ठीक है, एक दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में हमने देखा अश्वनी शाही जी, उसको दंगा नहीं कहते हैं, भी उसको अगर दंगा नहीं कहते हैं, उसको भी लेके बैठे दिलीप जी से, उसका भी स्पष्टीकरण। आप कीर्ति जी उसको दंगा कह रही हैं आप, वाह, तो हम भी 2016 में मैनपुरी दिखाते हैं, मैनपुरी में किस तरीके से बवाल हुआ, उसको दंगा थोड़े कहते हैं। अश्वनी शाही जी, आपको क्या लगता है, आपके लिए दंगा क्या है? दंगा मतलब कम्युनल राइट की मैं बात कर रहा हूँ, दंगा वो होता है जिसमें 600,000 लोग मरे, जहाँ 600,000 लोग घायल हो, उनके उस हिसाब से आप दंगा बोलेंगे। रात को जो होता है दंगा है, और जो दिन में अभी इन्होंने पिछले एक महीने किया है वो धरपकड़ है, खुलेआम धरपकड़, मीडिया के सामने, पुलिस के सामने दंगा की परिभाषा है। दंगा की परिभाषा किसी की धारा में दंगा कहाँ पर लगता है, क्या किस तरह दंगा, से दंगे की परिभाषा क्या है, दंगा क्या होता है? कीर्ति जी, दिलीप जी, कीर्ति जी मैं सुनना चाहता हूँ, आपकी नजर में दंगा क्या है? राइट की बात कर रहे हैं सुनी भाई, कम्युनल राइट नहीं हुआ है। कम्युनल राइट ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है, उसका कारण यह है कि कम्युनल राइट ज्यादातर हिंदू और मुसलमान में हुआ करता था, और पूर्ववर्ती सरकारों में ये एकदम खुला है, और ये सत्य है, इस बात को मैं भी कहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, और इसलिए वो बढ़ चढ़ के दंगा करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार आने के बाद उनके दिल में डर बैठा है, इसलिए दंगे नहीं हुए हैं। देखिए, हिंदू ज्यादातर दंगों की शुरुआत नहीं होती है, इस बात को मैं खुल के कहूंगा, ठीक है। तो जो कम्युनल राइट्स की बात करें, कम्युनल राइट्स आपके राज्य में नहीं हुई मैं मानता हूं, लेकिन बाकी कहीं किसी अपराध में कमी नहीं हुई है सोनी भाई। आपने संगठित बड़े बड़े माफियाओं को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, लेकिन वो भी तब जब दिलीप जी, अगर आप विकास दुबे की बात कर लीजिए, तो विकास दुबे ने अगर इतने पुलिस वालों को ना मारा होता तो आप उसका एनकाउंटर नहीं करते, वो अपराध कर रहा होता जो सामने आ गया। दिलीप जी, दिलीप जी, मैं बताना चाहूंगा, दिलीप जी मैं बताना चाहूंगा कि विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल में रहा, उसके पहले उसको सुरक्षा मिली हुई थी, जमानत पर छूट के बाहर आया था वो, सरकार में ही जेल में जाके गोली भी चलाई थी सुनी भाई। नहीं, बाहर जमानत पे रहा था। अश्वनी शाही जी,
2022 में जनता ये चुन लेगी कि विकास कितना हुआ है, और उनको ये विकास जो हुआ है वो पसंद आ रहा होगा तो 2022 में फिर आपका जनाधार आ जाएगा, वरना तो गठबंधन करने के लिए और भी पार्टियां आ ही रही हैं। ठीक है संजय जी, अगली बार फिर से योगी सरकार। ठीक ठीक है संजय जी, अगली बार फिर से योगी सरकार। पहली बात तो अभी मैंने जैसे कि बोला कि अभी जस्ट ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था वो इनके पास एक ट्रेलर पहुंच गया है, इनके पास मैसेज पहुंच गया, जिसकी वजह से इनके अंदर एक डर पैदा हो गया। जो योगी जी को जिनको राष्ट्रीय नेता मान करके हर जगह पे हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा बना बना करके उनको भेजा जाता था, वो डर इनके अंदर आ गया कि अब इनको योगी को हटाने के लिए ही जो है प्रधानमंत्री खुद तैयार हो गए थे। बाकायदा वो हर जगह जा जाकर उन्होंने हाजिरी भी लगाई, गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सब जगह से मिले, और डर इनके अंदर इससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश का पंचायत का चुनाव का रिजल्ट आया, वहाँ से इनका जो प्रभाव था गिरने वाला वो शुरू हो चुका है। और फिर मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, जनता लड़ेगी, और जनता उसको वोट देगी जो देखेगा भाजपा को हराने वाली है। जनता ये नहीं देखी कि सामने वाला पार्टी कौन है, जैसे कि इस बार आपने देखा होगा गांव क्षेत्र में देखा है निर्दलीय जीत गए, 1000 से ऊपर निर्दलीय। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है, उन्होंने ये देखा कि ये आदमी अगर भाजपा को हरा सकता है तो उसको वोट दो। इसी बार वही सेम टू सेम इस बार जो है 2022 में होने वाला है और 2024 में भी होने वाला है। दोनों टेलर आपने अभी देख लिया है पिछले 2 महीने पहले, इसके बाद सेमीफाइनल होगा, खेला होगा 2000 सेमीफाइनल, और दो फाइनल जो होगा वो 2024 में होगा, और भाजपा के पूरी तरीके से ताबूत जो है वहाँ पे आखिरी कील जो है 2024 से पड़ेगी, ये तय बात है, 100% श्योर है। योगी जी नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। दिलीप जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, योगी जी आ रहे हैं कि नहीं आने वाले हैं, क्या लगता है? क्योंकि फौज तो तैयार है लेकिन बीजेपी की तैयारी भी कुछ कम नहीं है। मैं कीर्ति जी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की जो कमियां हैं लाख कमियां सही, लेकिन भाजपा की कमियों से बाकी पार्टियों की अच्छाइयां निकल के नहीं आ जाती हैं, और जनता आपको इस बात पर वोट नहीं करेगी कि भाजपा में कमी है। आप में क्या अच्छाई है उसको लेकर के बाहर आइए, बाकी कमी और अच्छाई जनता खुद देख लेगी। आप अगर भाजपा की कमियां दिखाएंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी, मैं ये बता दूं संजय जी, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए। भाजपा की किसी की सामने वाले की गलतियां गिना देने से मेरी पहली बात ये है, मैं एक बात अपनी खूबियों के साथ जा सुन लीजिए, ये आपके लिए मैं ज्ञान दे रहा हूं कि अगर आप भाजपा की कमियां गिनाएंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की कमियां जनता ने देखी है। आप क्या अच्छाई लेकर के आएंगे आप ये बताइए तो जनता को वोट देगी। और कीर्ति जी 2022 में सरकार तो भाजपा की बनेगी, चाहे जैसे बने ये तय है, सरकार भाजपा की बनेगी। संजय जी आपको बहुत बड़ा जवाब मिल गया है शायद तक, और मेरे पास समय की कमी है माफ कीजिएगा, लेकिन दिलीप जी ने जिस तरह से उनके राजनीतिक समीकरण निकाल के उन्होंने कहा है कि 2022 में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन ये भी एक अहम मोड़ पर दिलीप जी ने इस डिबेट को आज मोड़ दिया कि 2022 में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो आपने हताश कर दिया बाकी सारी प्रजा को जो जिस पूरे जोश के साथ जो उतर रहे थे तमाम दल कि कहीं ना कहीं हम बीजेपी को चोट पहुंचाएंगे, उनको आपने निराश कर लिया। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए। तो एक तरह से बीजेपी के खिलाफ फौज तैयार हो गई है, तमाम दल अब उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रणनीति को लेकर चुनावी जमीन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए एक एक करके उतरने की कोशिश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का जनाधार कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा हिला पाएगा या गठबंधन के सारे हिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और यूपी का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, तो कई राह ऐसी आएंगे जिसमें मोड़ बहुत दिलचस्प होंगे, जिसमें चुनावी सरगर्मियां बहुत हद तक बढ़ जाएंगी, तो ये भी देखना है। मगर इस तमाम मुद्दों की डिबेट हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और हाँ देखते रहिए प्राइम टीवी।